अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैं हूं आपका रेहान बलोच और आप देख रहे हो टू व्यूज फोर के। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जैसे कि नहीं आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे कि ये 24 साल तक जेल के चक्कर काटते रहे दोस्तों, संजय दत्त, असद मलिक और सैफ अली खान समेत ये 5 अदाकार जेल क्यों गए। जी दोस्तों, इनके बारे में इस वीडियो में आपको मजीद जानकारी बताते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ना भूलिएगा। जी दोस्तों, जैसे कि फिल्मों में हीरो हीरोइन का किरदार अदा करने वाले अदाकारों को देख कर यकीन नहीं आता कि ये भी कोई जुर्म कर सकते हैं। जी दोस्तों, लेकिन इंसानी गलती या गुस्सा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। जी दोस्तों, फिर भी ये कानून के गिरफ्त में बच नहीं पाते। जी दोस्तों, आज हम चंद ऐसे अदाकार और अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जो कि बाकायदा जेल की हवा खा चुके हैं। जी दोस्तों, जैसे कि उनमें से सैफ अली खान छोटे नवाब देखने में तो मासूम लगते हैं लेकिन मजाज काफ़ी जारहाना रखते हैं। जी दोस्तों, उन बात का अंदाज़ा लोगों को 2012 में हुआ जब मिस्टर शर्मा नामी एक शख्स ने दावा किया कि सैफ अली खान ने उन्हें हर इंसान करने के साथ मुक्का मार कर उन्हें उनके नाक के हड्डी तोड़ दी। जी दोस्तों, सैफ अली खान को पुलिस ने फौरन तौर पर हिरासत में लेकर बंद कर दिया। जी दोस्तों, अलबत्त ऐसे दिन उनकी जमानत कर दी गई। जी दोस्तों, जैसे कि असद मलिक पाकिस्तान के खबरों अदाकार हैं। जी दोस्तों, डेली टाइम्स के मुताबिक असद मलिक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अलबत्त असद मलिक का इस हवाले से कहना है कि एक कीमती जहान का ज़्यादा करने वाले वो गोली उन्हें दास्ताना नहीं चलाई थी दोस्तों, बल्कि गलती से चल सकी। जी दोस्तों, जैसे कि संजय दत्त भारत के ऐसे दिल अजीज अदाकार हैं जिन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा था। जी दोस्तों, जैसे कि भारत वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक संजय दत्त 1992 में पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। जी दोस्तों, उसके बाद 24 साल तक उनका आना जाना जेल में रहा और इतना अरसा वो ज़्यादा जेल में रहे और बलाखर अपने जार ममकल करके 2016 में रहा हुई। जी दोस्तों, रहा हुए संजय दत्त पर मुंबई बम धमाकों में दहशत गर्दों के मावत का और उनसे हसला खरीदने का इल्ज़ाम था। जी दोस्तों, जेल में गुजारे हुए अरसे के बारे में संजय दत्त का कहना है कि उस वक़्त ने उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद की। जी हाँ दोस्तों, अतीका उर्दू भी दावे से पाकिस्तानी टेलीविज़न पर राज कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, अतीका उर्दू पर एयरपोर्ट के अंदर शराब की बोतलें निकलने का इल्ज़ाम था जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया था। जी दोस्तों, मीरा जी एक ही वक़्त में दो पासपोर्ट रखने के जुर्म में जेल का चक्का जान सकती है। जी दोस्तों, जैसे कि इन चंद अदाकारों के बारे में आपने सुन लिया तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जैसे कि नहीं आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।